काम चलता था थोड़ा पावर करने के लिए दो कर, दो का एक बना दिया तो एक ही समझ। बाहर मैंने कॉपर वायर लपेटा है इसके, मैंने करीब 400 टर्न दिए, 400 टर्न से, और कॉपर वायर के दोनों एंड्स पर मैंने एक LED दी, न कोई बैटरी है न कोई और, कॉपर वायर इधर उधर में जाए इसलिए एक रबर बैंड भी लगा, इसका कोई और यूज नहीं है, खाली इसको एक दो रबर बैंड। तो एक कॉपर वायर को मैंने टर्न किया है इस डब्बे के बाहर से कम 400 या 450 टर्न से, और इसके कॉपर वायर के एंड में LED बांध दी है, और अंदर एक मैंने मैगनेट डाल दिया। आप अगर आप क्या बिजली बनी, लेकिन पावर बहुत हल्की करंट बन रही है, लेकिन बल्ब जल रहा होता है, करंट बन रहा है, यही करंट बनने का तरीका, ये यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में होता है, यही जनरेटर में होता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दो सही बहने हैं, सही बहने हैं। तो बहुत जवाब जवाब मैक्सवेल होता है बाद में शायद इंटर में या BSc में जाके पढ़ोगे फिजिक्स को, तो आपको बताएंगे कि दो सही बहने क्यों हैं। बिल्कुल एक ही घर में पैदा होती है, इसलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है और मैग्नेट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करती है। इसको अभी हम नहीं जा रहे हैं, आपको बहुत छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे। तो हमने एक डिवाइस बनाई, हमने एक डब्बे के चारों तरफ कॉपर वायर लपेट दिया खूब सारा, अंदर मैग्नेट डाल दिया और कॉपर वायर के एंड्स में एक बल्ब बांध दिया, तो बिजली ऐसे अभी तो नहीं बन रही है, लेकिन जैसे ही हम इसे मूव कराते हैं। अब ये कॉपर वायर क्या है, कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है और अंदर क्या है, मैग्नेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी मैग्नेट को किसी कंडक्टर के अलॉन्ग मूव कराते हैं ना, तो कंडक्टर में ऑटोमेटिकली बिजली चलती है। ये किसी भी केस में सकता है, यहाँ ज्यादा। अब आप इसकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे कि कौन अच्छा कंडक्टर लेंगे तो ज्यादा बनेगी, खराब कंडक्टर लेंगे तो कम बनेगी। इसकी जगह अगर मैं खाली डोरी लगाऊंगा, तागा लगाऊंगा तो बनेगा, कंडक्टर होना चाहिए। तो देखो उस आदमी ने सबसे पहले जब ये कोई थ्योरी पता नहीं थी, कोई फिजिक्स पता नहीं थी, उस आदमी ने कभी एक्सीडेंटली किया होगा कि एक कंडक्टर के अलॉन्ग एक मैग्नेट को घुमाया होगा, तो उसे पता लगा होगा, तो उसने एक ऐसी चीज इजाद की जिस चीज के बिना आज वो अपनी जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। जो फैराडे ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने किया था बल्ब का, किया था रानी के सामने, तो बल्ब जलाया था, तो उसने कहा कि रानी ने ये बड़ी मुश्किल से जला, वहाँ पर बड़े दुबारा करके जला, एक आध घंटा लग गया, रानी बोर हो गई इंग्लैंड की, उसने क्या है। तो उसने चैलेंज किया था रानी को, उसने कहा था कि आप जिस चीज़ को ऐसा ट्रिवियल समझ रही हैं, मामूली समझ रही हैं, एक दिन आपकी सरकार इससे रेवेन्यू कमाएगी मेरे इस दोस्त, और देखो आज सरकार किसी देश में पैसा कमाएगी सभी दुनिया की सरकार। तो ये बड़ा अच्छी डिवाइस है जिसमें अच्छे तरह से बना सकते हो आप, LED देते हो ये सब, कॉपर वायर देते हो और मैग्नेट देते हो। यही है कि अगर किसी मैग्नेट को किसी कंडक्टर के सामने हम मिलाएंगे डुलाएंगे तो कंडक्टर में अपने आप बिजली पैदा हो जाएगी। बिजली होती क्या है भाई, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन अगर बहने लगे तो वो करंट हो जाता है। लेकिन ये भी सवाल आता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, फिर वो क्या होता है, वैसे ही हुआ ना मीठा क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा एक्सपीरियंस है वो साइंस बहुत ज़्यादा वर्ड्स में नहीं, वर्ड्स में हम छोटा कर देते हैं इलेक्ट्रॉन चीज़ों को छोटा कर देते हैं। तो कुल मिला के ये मैंने आपको कुछ खिलौने दिखाए, हम जब बच्चों के साथ एक्चुअली काम करते हैं, सच में काम करते हैं, तो ऐसे दिखाते नहीं, हम सामान जो जितने बच्चों को हमसे कहते हैं कि खुद बनाओ करके देखो और फिर बताओ तो समझ में आया तो हम भी समझा। असल तरीका तो ये है कि हर एक को खोजना सीखना, अगर नहीं आता तो वो खेलों को नहीं सीखता, आप खेल सीखते हो किसी से पूछ के नहीं सीखते, और मुश्किल से मुश्किल खेल आपको दे दिया जाएगा तो अभी आप 10 मिनट में सीख मुझे बताओ, अभी मैं आपको कंप्यूटर गेम दे दूँगा, मुझे आप 10 मिनट में नहीं सीख जल्दी सीख पाऊँगा, आप सीख लो क्योंकि आप फ्रेश माइंड हो, आप उससे नेक्स्ट जनरेशन के हो, तो आपका उससे इवॉल्व हो जाता है, उससे
ज़्यादा आगे की हो, उससे ज़्यादा एडवांस हो। जैसे हर कंप्यूटर नेक्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर पुरानी जनरेशन से ज़्यादा पावरफुल हो, ऐसे बच्चे भी नेक्स्ट जनरेशन के होते हैं तो पुरानी जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो खुद सीख सकते हैं। लेकिन हमारी स्कूल सिस्टम, हमारे बड़े लोग उनके दिमाग में डाल देते हैं कि तुम बिल्कुल बहुत कुछ नहीं कर सकते, तुमको आता ही नहीं, और इस तरह से धीमे धीमे वो भी समझने लगते हैं अपने बारे में, शायद हमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एफर्ट करो, कोशिश करो और इसको खेल किस बना दो, ये सारे खेल हैं। इन खेलों से अगर आप कोशिश करोगे, समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम उसको लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, और लैंग्वेज एक बैरियर है। जैसे मैंने कहा था मीठा क्या होता है, आप एक हद से ज़्यादा वर्ड में नहीं सोच सकते। अगर कोई आपसे गए जिसने मीठा नहीं खाया है कि मुझे समझाओ मीठा क्या होता है, तो आप कोशिश करोगे कि यार मीठा ये होता है, मीठा वो होता है। जब बहुत हो गया तो कहेगा यार एक उल्टी चीज इसके मुंह में डाल के बताओ। लेट हिम फील, वही एक्सपीरियंस इज द लास्ट टाइम। एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट, आप लैंग्वेज के जार्गन्स में फंस जाओ। तो लैंग्वेज एक तरह का एंगल भी है, तो इस लर्निंग को हमको लैंग्वेज के जंगल से बाहर निकाल के रियलाइजेशन के मैदान में उतारना है, फील कर सकते हैं। अच्छा, हमें समझ में आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यार हमको स्पिन और बॉल डाल के दिखाऊँ नेक्स्ट, तो मैं उस पर क्या होती है तो कभी नहीं कहोगे, आपके लिए लिख के बताऊँ क्या होती है। आप कहोगे चलो मैं में भी डाल के बताऊँ, ये तो कहोगे ना कि मैं डाल के बताता हूँ नेक्स्ट स्पिन का, ये थोड़ी कहोगे कि मैं लिख के बताता हूँ नेक्स्ट, क्योंकि उसका अल्टीमेट आंसर डाल के ही होता है। जो लिखा है वो हो सकता है उससे करने वाला थोड़ा और फर्क है, वो तो एक वर्जन है जो आपने लिखा, दूसरा वर्जन कुछ और हो सकता है। हर स्पिन बॉलर जो है एक तरह से बोले जाते हैं, सबके अपने अपने स्टाइल, तो लिखोगे तो आप एक ही चीज़। वैसे ही हर कंसेप्ट का जो एक्चुअल वर्जन होता है वो फीलिंग में, वो रिलेशन में आता है, तो वो लैंग्वेज में पूरी तरह से आ भी नहीं सकता। इसलिए आप इसलिए बोर हो जाते हैं, इसलिए समझ में नहीं आती, क्योंकि उसको हम लैंग्वेज में ही समझना चाहते हैं, बुक पढ़ के या टीचर के मुँह से। अगर हम उसे फील करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए वो खेल बन जाए। इसलिए कोशिश करो कि खेल की रखें।